ऑनेस्टली एक्सपीरियंस बहुत बहुत अमेजिंग रहा। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले की कहानी बताता हूँ कि लाइक बीसीआई से पहले क्या मेरी लाइफ थी और बीसीआई के बाद क्या लाइफ है। टू बी ऑनेस्ट मतलब हाँ, मेरी लाइफ ही बोलूंगा मैं। तो बीसीआई के पहले क्या होता था कि हम लोग बिजनेस मैनेज करते थे बहुत ही। आई आपका क्या बिजनेस है पहले एक बार वो बता दो। एम इनटू होलसेल ट्रेडिंग ऑफ स्टील, तो वी आर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। वी बाय फ्रॉम वेरी फ्यू लिमिटेड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, स्टील प्रोडक्ट्स खरीदते हैं एंड वी सेल इट टू अबाउट 500-700 डीलर्स। तो सो ये आपका ट्रेडिंग का काम है। हाँ जी, ट्रेडिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये आप बोल सकते हैं। ओके और आइटम कमोडिटी है या थोड़ा डिफरेंशिएटेड है। कमोडिटी आइटम है, स्टील पाइप्स में हम लोग काम करते हैं, और एमएस पाइप, सीआर पाइप, जीआई पाइप, जीपी पाइप, ये सब स्टील पाइप्स में हम लोग डील करते हैं। तो दीज आर आर प्रोडक्ट्स, जो हम लोग प्रॉपर लोहे के पाइप्स जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगते हैं, फर्नीचर में लगते हैं, स्केफोल्डिंग में लगते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी सेल, ट्रेडिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। ओके तो प्रोडक्ट बिल्कुल ही अनडिफरेंशिएटेड है। प्रोडक्ट में सर एकदम एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट, और 10 ब्रांड्स बेच रही हैं, और एग्जैक्ट सेम, मतलब हम लोग के तो लाइन में ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर भी और हैं सेम प्रोडक्ट के, सेम ब्रांड के भी, सेम अच्छा भी फाइट कर रहे हैं। हद हद पार कंपटीशन है, मतलब कंपटीशन तो कोई लिमिट ही नहीं है। पर ये कंपटीशन पहले ऐसा लगता था कि प्राइस पे कैसे फाइट करें, ये एरिया में कैसे फाइट करें, ये आदमी यहाँ पर इस स्पेसिफिक आदमी ने ये पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है, ये स्पेसिफिक ब्रांड ने ये पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है। पहले तो वेस्ट बंगाल में ही मेजरली मार्केट, आई एम बेस्ड आउट ऑफ कैलकटा, सो हम लोग कैलकटा और नेबरिंग जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर काम कर रहे थे। तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम लोग मतलब 150-200 किलोमीटर दूर भी जाके किसी को माल बेच पाए। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि क्यों, ऐसा क्यों? टाइम ही नहीं है, सोचेगा कौन, आदमी डेली के ही मतलब डिस्पैचेस संभाल रहा है आदमी, सेल्स संभाल रहा है आदमी, बिलिंग संभाल रहा है आदमी, तो क्या क्या करेगा। स्टील ट्रेड में हूँ तो जी क्रेडिट वाला काम तो है, क्रेडिट वाला काम है। मतलब पहले ऐसा दिमाग था कि यार महीने भर से ज्यादा, मतलब महीने भर से कम क्रेडिट तो मैं किसी को दे ही नहीं सकता। 20 दिन बोलने में, 15 दिन बोलने का ट्राई करता था, पर वो मतलब वो हिचक थी कि अरे 15 दिन बोलूंगा तो सामने वाला भी बोलेगा भाई तू कौन है, कमोडिटी आइटम है, तू नहीं देगा तो कोई और दे देगा, 30 दिन का क्रेडिट सबको मिलता है, आप कौन, कहाँ से आए हो कि हमें 15 दिन का पेमेंट मांग रहे हो। तो ये सब इश्यूज मेजर होते हैं। ओके व्हाट वर द अदर चैलेंजेस दैट यू हैड इन बिजनेस बिफोर और व्हाइल यू जॉइन। चैलेंजेस ये थे कि मैं सब कुछ हैंडल कर रहा था। सब कुछ हैंडल करने का मतलब हुआ कि जैसे मैं और मेरे फादर, हम लोग दो जन हैं बिजनेस में, तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो मेरे फादर ने ऑफिस शिफ्ट हो गए। हम लोग के दो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एक ऑफिस है, गोडाउन है। अब मेरे फादर ऑफिस शिफ्ट हो गए, मैं वेयर हाउस पे बैठा हूँ, तो वेयर हाउस पे मैं डिस्पैचेस भी संभाल रहा हूँ, मैं बिलिंग भी संभाल रहा हूँ, मैं ऑर्डर मैनेजमेंट भी संभाल रहा हूँ, लोगों को धक्का देना, टाइमली डिस्पैच होना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को देखना, ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, सभी कुछ कर रहा हूँ। मतलब ऐसा भी होता था कि जैसे हम लोग अभी आजकल स्विगी जिनी यूज करते हैं, तो स्विगी जिनी में जो एंड ऑफ पॉइंट पे जो मीट करने के लिए उसका फोन आता है ना आदमी का, कि सर जगह पे तो पहुंच गए हैं पर दरवाजा कौन सा है, तो एसेस के लिए भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स के फोन आते थे। मेरे को क्यों फोन आते थे, क्यों, क्योंकि मैं ही ट्रांसपोर्टर अरेंज कर रहा था। अब दिन में 10 गाड़ी 15 गाड़ी लगा रहा हूँ, 10-12 गाड़ी लगा रहा हूँ तो देख रहा हूँ मेरे को 3-4 फोन आ रहे हैं। अगर 15-20 गाड़ी लगा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेरे फोन कॉल्स बढ़ जा रहे हैं। तो लिटरली सुबह की नींद भी एकदम परेशान हो गया था कि यार ये सुबह 6 बजे, 7 बजे, 6:30 बजे मैं उठ के ये ट्रांसपोर्टर्स के फोन आंसर करता था कि भाई वो एग्जैक्ट सही दरवाजे में घुस जाए। ट्रांसपोर्टर्स अरेंज करना वाज अ मेजर चैलेंज। गाड़ियां डिस्पैच हो जाएं, टाइम से हो जाएं, सारी हो जाएं, वाज अ मेजर चैलेंज। अगर हाथ में आज के डेट में मेरे हाथ में, अगर हाथ में ऑलरेडी ऑर्डर है, 10 ऑर्डर हाथ में है, अब वो 10 के 10 ऑर्डर के लिए गाड़ी लग जाए, 10 के 10 ऑर्डर का माल लोड हो जाए, 10 के 10 ऑर्डर्स का बिल बन जाए, ये सारा काम देख रहा था। अब इस आदमी को धक्का दो, ये आदमी सुनता नहीं है, इस आदमी को धक्का दो, ये आदमी सुनता नहीं है, लोगों के पीछे पड़े रहो, लोगों को डांटते रहो,
पहले दिन तो डांटो, फिर एक को मनाओ, फिर एक को डांटो, फिर एक को मनाओ। अब स्टाफ भी सब पुराने पुराने हैं, 5 साल 10 साल इतने इतने पुराने। मेरे को जितने कंपनी में साल हुए हैं, मेरे को अगर 5 साल हुए हैं तो स्टाफ 15-15 साल पुराने हैं। उनको मैं डांटू भी तो क्या डांटू कैसे, मेरी बात सुनते नहीं। डांटू तो मतलब जितना डांटता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार के पुचकार के रखना पड़ता है कि नहीं यार अभी उस दिन हो गया, उस दिन वो ऑर्डर इम्पोर्टेंट था, वो कस्टमर का 4 बार कॉल आ गया था मेरे को, तो उसको भी समझा समझा के रखना पड़ता था। तो लगता था कि पावर नहीं है, पावर नहीं है इन द सेंस कि थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। वो बहुत बहुत मेजर लैकिंग इशू था। अच्छा, पापा से बात हो रही है तो मैं देखता था कि मेरी और पापा की फोन कॉल्स, मैंने लिटरली एक दिन बैठ के अपने कॉल लॉग्स में काउंट किया, सो देर वर 100 कॉल्स, मोर देन 100 कॉल्स, 103 105, मेरे को फिगर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मोर देन 100 कॉल्स इन वन डे। वो होते 3 से 5 सेकंड के ही कॉल्स होते थे, बट 100 कॉल्स, ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसमें पापा क्या करूं, इसमें पापा ये कर दो वो कर दो। मतलब ऑफिस गोडाउन का मैनेजमेंट ही इतना उल्टा पुल्टा हुआ था कि यहां से सामान वहां भेजो या वहां से सामान यहां भेजो, तो उसके लिए भी घूम घूम के कॉल्स होए जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन इतना फियर्स मार्केट में कि मैं निकलूं भी तो कैसे निकलूं। अब कॉम्पिटिशन के लिए मेरे को अगर सेल्स करनी है तो सेल्स में मेरे को बाहर भी निकलना है, मेरे को बाहर निकलना है तो मेरे को अपना गोडाउन भी छोड़ना है। तो अगर मैंने ये सोचा था कि मैं सेल्स करूं या सेल्स बढ़ाऊं, तो उस दिन ऑपरेशंस में बैंड बजनी है, गोडाउन एकदम मिसमैनेज रहना है। तो ऑर्डर लेके आता था, जिस दिन ऑर्डर लेके आ रहा हूँ उस दिन खराब ऑर्डर मैनेजमेंट चल रही है, जिस दिन ऑर्डर मैनेजमेंट कर रहा हूँ उस दिन नए ऑर्डर्स और एक्स्ट्रा इंक्रीज नहीं हो रहे। तो कहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँ, कहाँ दिमाग लगाऊं, वो एक बहुत मेजर चैलेंज था। फादर से मन कर, अब जैसे कुछ कुछ करके ठीक है, हल्की फुल्की ग्रोथ चल रही है, 10-20-30-50% ग्रोथ चल रही है रेवेन्यू में, पर ना हिम्मत नहीं होती थी कि जाके अपने आप से बोल सको फादर से कि सर पापा मेरी भी सैलरी बढ़ा दो। एम्प्लॉयज लोग की जितनी सैलरी बढ़ रही है मेरी उससे कम बढ़ती थी, मेरी तो 3-3 साल तक बढ़ी भी नहीं। तो हिम्मत नहीं होती थी कि खुद के पापा से जाके, खुद के बॉस से जाके बोल सको कि पापा सैलरी बढ़ा दो यार, इतना काम कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। वो बोलते थे कि मतलब एक तो फर्स्ट लेवल ऑफ हेजिटेशन कि मैं बोल सकूं कि यार मेरी सैलरी बढ़ा दो, और सेकंड लेवल ऑफ हेजिटेशन कि यार वो बोलेंगे क्या कि क्या काम किया है, वेयर इज द रिजल्ट, कहाँ है प्रॉफिट, कहाँ है, मैं क्या बोल के तेरी सैलरी बढ़ाऊं। तो चैलेंजेस बहुत डायरेक्शंस के और बहुत स्पीयर्स के थे जो हम लोग ओवरकम नहीं कर पा रहे थे और दिक्कतें चल रही थी। कॉम्पिटिशन का क्या हाल था? कॉम्पिटिशन का तो सर मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी तरह बस सरवाइव कर लें तो ठीक है, अगर 200-300 टन की सेल चल रही है तो हाँ यार अभी 200-250 चलो 300 325 टन कर ले बहुत है यार, वेरी गुड वेरी गुड, एवरेज लास्ट 6 महीने का साल भर का एवरेज 300 टन आ जाएगा तो यार वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मतलब ग्रोथ का सोचते नहीं थे क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, सर्वाइवल मिल जाता था तो उससे खुश हो जाते थे, और मतलब वो दैट वाज अ सेटिस्फैक्शन कि हाँ यार सर्वाइव कर रहे हैं। सप्लायर से ये नहीं आएगा कि हाँ तुमने कम माल बेचा तो तुम्हारी सप्लाई रोक देंगे, वो नहीं आए, इस डायरेक्शन में सोचते थे, इस तरह से सोचते थे। ओके, और आपका पूरा टीम साइज पहले क्या था? And guys, can you please shut up for some time? Everybody else, हाँ, team size क्या था पहले? Team size में 1, 2, 5, 7 वहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8, 7-8 लोग थे maximum, मतलब 8-9 जन थे, उससे बड़ा team size नहीं था। हम लोग office operate कर रहे थे पर office में कुल मिला के मेरे father बैठते थे और एक और दो employee बैठते थे। हम लोग गोडाउन operate कर रहे थे, गोडाउन में मैं बैठता था, मेरे साथ 5 से 7 dispatcher होते थे। तो कुल मिला के मतलब अराउंड 7 से 8 लोग, 8 से 10, 7 से 9 जन की टीम थी हमारी पूरी। ओके, देन व्हाई डिड यू जॉइन बीएमपी? क्योंकि आपका काम तो ऐसा वाला काम, छोटी साइज, छोटी टीम, इतनी हिम्मत कैसे हुई? आपने फोर डे वन डे सब कर रखा था? फोर डे वन डे मैंने कुछ नहीं किया मैंने। सो वन ऑफ माय कजिन एंड वन ऑफ माय
वेरी फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, ये दो जन ने आपका कोर्स किया था और कोइंसिडेंटली दोनों ने साथ में ही किया था, तो लोग से मेरे को फीडबैक मिला यार हमें कोर्स करके ज्वाइन किया, राहुल जन करके एक जन है दिल्ली में है, बीसीआई करके कंपनी है इनकी, और ये बिजनेस को ऑटो पायलट करना सिखाते हैं। ऑनेस्टली पहले एक दो मीटिंग्स में तो मेरे को कुछ मतलब समझ में नहीं आया, आवाज सुनी ऑटो पायलट, ऑटो पायलट तो एरोप्लेन में होता है, ऑटो पायलट बिजनेस में क्या होता है तो ऑटो पायलट मतलब घुसा ही नहीं, दिमाग में नहीं घुसा। तो द फ्रेंड दैट आई थैंक इज हिम, एंड वो मेरे को लिटरली चेज किया कि भाई तेरा बिजनेस अभी तो एकदम पागल की तरह काम कर रहा है, इतना ज्यादा जितना काम कर रहा है उसका रिजल्ट तेरे को मिल नहीं रहा है, सो ज्वाइन दिस कोर्स, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ तो उसके पास गया, उसके साथ बैठा, उसका ऑफिस देखा, उसके उससे फीडबैक लिया, मतलब मेरे को ड्रास्टिक चेंज लगा। मेरे साथ ही वो कॉलेज किया था एंड आई न्यू हिम पहले से अच्छे से, एंड आई सॉ द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इज डूइंग, बहुत बहुत इंप्रेसिव था, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। मतलब उस मोमेंट से मेरे को वो अट्रैक्शन हो गया, नहीं यार मेरे को भी करना है, वो जो अट्रैक्शन हुआ वो जो खींचा उस वजह से आई उस फेल फॉर इट किया, नहीं यार मेरे को करने का, एंड आई जॉइंड द जून 2021 बैच, सो आई एम एग्जैक्टली वन ईयर अहेड इज ऑल इज व्हाट आई विल से। तो हिम्मत कैसे हुई कि इतना मतलब इतना एक्सपेंस और ये सब करने की? सर ऑनेस्टली कोर्स इनिशियली लगा कि बहुत कॉस्टली है, तो मतलब करे नहीं करे करे नहीं करे ये सोचने में भी कम से कम 3-4 महीने लगाए, ठीक है 8 लाख 9 लाख 10 लाख इतना हम लोग सिर्फ अब एजुकेशन में डाल देंगे, अच्छा भैया एमबीए के लेवल का ये है और क्या है इसमें, ऐसा क्या सिखा देंगे, और वो हिम्मत नहीं आई, बट किसी तरह वो लीप ऑफ फेथ लेके वो घुस गए। वो असली आरओआई तो बाद में समझ में आया कोर्स के बाद। ओके, और फिर कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या रहा, कैसा रहा? सर कोर्स में अब जैसे एक साल ही हुआ है मेरे को, आप बोले तो मैं अपने सिस्टम्स दिखाता हूँ आपको, क्या आपको जानना है, क्या हमने इंप्लीमेंट किया है। दिखाओ दिखाओ चीज दिखाओ, क्या सिस्टम बनाए, क्या किया, क्या काम होता है। गाइस वुड यू लाइक टू सी द सिस्टम, चैट में बताओ यस डू यू वांट टू सी। इसको हाइड कैसे कर सकते हैं, जो ऊपर का जो बार है ऊपर तो आई होप सर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो प्रॉपरली। हाँ दिख रही है मेरे को तो दिख रही है। सर तो ये हमने अपनी कंपनी के लिए एक इंटरनेट वेबसाइट बनाई है। Can everybody see this? Yes, no? हाँ जी, सो ये हमने अपनी कंपनी के लिए एक इंटरनेट वेबसाइट बनाई है जिसमें सारे लोगों के सारे काम लिस्टेड हैं। इसमें बेसिक हमारे कंपनी के मिशन विजन अबाउट द कंपनी है, तो इस तरह से हमने मैनेज करना चालू किया काम इसको। अब ये सिस्टम्स में इसमें हमारी टीम के बारे में लिखा हुआ है कि हमारी टीम में कौन कौन है। अब हमारा टीम साइज इज 27 आई गेस 27 है हमारा टीम साइज, एक साल में इतना बढ़ गया है। ये हमारा टीम साइज है, ये हमारे लोग हैं। वी हैव एमडीओ विच इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस, वी हैव अ सेल्समैन टीम, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये ऑपरेशंस है, ये अपने गोडाउन टीम है। तो दिस इज द फुल टीम दैट वी हैव। वो है माइल्स स्टील पाइप्स होते हैं,
सीआर होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जीआई जीपी, दीज आर प्रोडक्ट्स दैट वी सेल, कॉपर कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, स्टेनलेस स्टील में भी दो वैराइटीज हैं, दिस इज एक 202 ग्रेड आता है, 204 ग्रेड आता है, दीज आर द टू डिफरेंट वैराइटीज. सप्लायर्स हैं हमारे, सप्लायर्स में ये लास्ट 1.5 इयर्स में वी गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन फ्रॉम आवर सप्लायर्स. वी गॉट अ फ्यू अवार्ड्स. एक हम लोग को स्टार, मतलब एक तो लाइक लिटरली अवार्ड था नहीं उनके पास देने को, तो उन्होंने लिटरली इन्वेंट करके दिया. इट्स कॉल्ड अ हीरो अवार्ड, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो. सो ये हम लोग को, दे टुक अस टू एन इंटरनेशनल ट्रिप एंड वहां पर हम लोग को दिया गया. ये हम लोग की कंपनी की एचआर पॉलिसीज हैं, वी बीन एबल टू इम्प्लीमेंट दैट वेरी वेरी वेल, जिसकी वजह से अब जैसे हम लोग के एम्प्लॉयज को हम लोग पहले कुछ लीव्स वगैरह का कम देते थे, या यू नो एज अ नॉर्मल एम्प्लॉयर होता ही है कि यू नो हेजिटेट करता है आदमी कि यार आदमी छुट्टी करेगा तो आदमी काम नहीं करेगा. आज के दिन पे हम लोग पेड लीव्स भी देते हैं अपनी कंपनी में, वी हैव अ सिस्टम फॉर पेड लीव्स. ये पहले था कुछ? पहले कुछ भी नहीं था सर, पहले तो लीव होती थी और आदमी इन्फॉर्म नहीं करता था. आदमी इन्फॉर्म नहीं करता था तो हम लोग फोन करते थे, तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आए, कब तक आओगे, दो दिन तक तीन दिन तक कुछ जवाब नहीं है, उस पर गुस्सा होता था, फिर वही वो नेक्स्ट दिन उसको कुछ करके ठीक करना पड़ता था, यही सब होती थी. अभी प्रॉपर एचआर पॉलिसीज हैं, कुछ भी फोन पे नहीं होता है, सब फॉर्म्स के थ्रू होता है, सिस्टम के थ्रू होता है. So why don't you show us your systems? ये आपका इंडेक्स है क्या? ठीक है सर, सिस्टम्स में सॉरी. हाँ मैं कह रहा हूँ सिस्टम्स दिखा दीजिए, एफएमएस कैसे चलता है, क्या चलता है. तो ये सारे सिस्टम्स हैं हमारे, एक एक इतने सारे सिस्टम्स हमने बनाए हैं. ये सिस्टम्स का, अब जैसे कोई भी हम लोग काम करते हैं तो ये काम करने में हम लोग कुछ भी उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं. सो काम का हर एक का फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा कैटेगराइज्ड है कि क्या स्टेप के बाद क्या काम होगा, किस तरीके से क्या क्या चीज की जाएगी, क्या क्या स्टेप के लिए कौन कौन आंसरेबल है, वो आंसरेबल पर्सन जो है वो कितने टाइम में उसको आंसर करेगा, कैसे आंसर करेगा, किसको आंसर करेगा, एवरीथिंग इज मैप्ड आउट. ये सब आपने सारा कोर्स में बनाया? कोर्स से पहले बना हुआ था क्या था सर? कोर्स से पहले तो वही जोड़ा वो झाड़ू पोछा कर रहे थे, तो तब बनाने का नहीं टाइम था. अभी कोर्स के अंदर अंदर ही ये लास्ट सारी जितनी मैं डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ सब एक साल की डेवलपमेंट है. सारी चीजें जो आप दिखा रहे हो पिछले एक साल में बनाई है आपने? 100% 100%. और पहले इसमें से कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था. ओके वेरी नाइस. तो ये फ्लो चार्ट्स वगैरह सब आपने कहाँ से सीखा? सर बीसीआई से सीखा, आपसे सीखा. ओके वेरी नाइस, क्योंकि ये सब सवाल आने वाले हैं कि भाई कहाँ से सीखा, कैसे बनाया, क्या बनाया. एनीवे और कोई कोर्स नहीं किया मैंने, बिजनेस कोचिंग इंडिया का बीएमपी ही किया है, बीएमपी के अंदर ही सब कुछ सीखा है. ना ये फॉर्म बड़ा बहुत है, और मतलब बड़ा मतलब बहुत ही ह्यूज है, तो मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ कि ये एक्चुअली चीज क्या है. ये इतनी बड़ी शीट है कि आप, मैं मिनिमाइज करूंगा तो खो जाएंगे आप. मैं बेसिक हेडिंग्स बता देता हूँ. ये इस तरह से हम लोग सारे ऑर्डर्स ट्रैक करते हैं. सो आज तक के जितने ऑर्डर्स हैं ट्रैक, मतलब लास्ट एक साल के ऑर्डर्स, हर एक की मेरे पास हिस्ट्री है और पूरे ट्रैक डे ऑर्डर्स की कहाँ पर क्या क्या थे ऑर्डर्स, कौन से स्टेज पे अटके हैं, कौन से ऑर्डर कहाँ पर हैं, किस स्टेज पे निकले हैं, कब निकले हैं, किस घंटे किस मिनट किस सेकंड डिस्पैच हुए हैं, आई हैव एवरीथिंग ट्रैक्ड. वेरी नाइस. सो ये आप कह रहे हर ऑर्डर का हर स्टेप ट्रैक होता है? एकदम एकदम एवरी स्टेप. अब जैसे मैंने आपको वो फ्लो चार्ट दिखाया, वो फ्लो चार्ट में जैसे बहुत सारे फ्लो चार्ट में बहुत सारे स्टेप्स थे, ये जैसे मैंने आपको ये दिखाया. हाँ वो देख लिया. हाँ ये इतना कॉम्प्लिकेट होने के बाद भी हर एक स्टेप का, हर एक सेकंड का, हर एक ऑर्डर का स्टेप का चीज, एवरीथिंग इज ट्रैक्ड. तो आपके जो लोग हैं
जो ये सारा अब ऐसा पूरा सिस्टम बन गया है, आपके लोग बड़े पढ़े लिखे हैं क्या जो ये सारा का सारा मतलब कैसे होता है? सर, मेरे एम्प्लॉयज बहुत कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। आई डोंट हैव एनी एम्प्लॉय व्हिच इज अबव 25,000 पेरोल, एंड सब 10, 12, 15, 20, 25,000 के लोग हैं। एवरेज एंड सैलरी क्या है? सब 15-17 से ऊपर नहीं होगा। तो आप हाईएस्ट पेड वाला 25,000 का है, बाकी सब 15-17 हजार रुपए के लोग हैं। यस 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 तो ये 15-17 हजार रुपए के लोग, ये सारा का सारा, अब ये पूरा सिस्टम ये लोग मतलब आपने इनके साथ बनवा के, ये लोग अब रन मतलब योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 15-17,000 रुपीज पीपल इज रनिंग दिस होल थिंग। यस 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 ओके प्लानिंग टू रिड्यूस द एवरेज सैलरी ऑल्सो, वो ग्रेजुअली वो भी हो रहा है। ओके वंडरफुल। तो वो एक मिनट वो दिखाना जरा, वो ये अभी जो शीट खोली थी इंक्वायरी टू डिलीवरी इंक्वायरी टू डिलीवरी का ये रहा सर। पेमेंट्स दिखाना, इसमें हाँ जी लेटेस्ट सर, दिखा दो लेटेस्ट है। लेटेस्ट भी दिखा देता हूँ, एकदम यही चल रहा है। सिस्टम भी सर, मतलब एवरी, हम लोग एवरी तो नहीं, बट हाँ हम लोग अभी ये जैसे चालू हुआ है कुछ, आप समझिए 2 महीने पहले, तो एकदम एवरी ट्रैकिंग होती है प्रॉपर इसकी। देखिए एक मिनट सबसे नीचे दिखाना, ये कब खाया? आज 3rd तारीख है, आज का ऑर्डर है ये, अभी आया है, आज सुबह सवा सवा 10 बजे आया है ये, अभी 11 बज रहे हैं, 10:15 ऑर्डर घुसा है। अच्छा, अब वापस ऊपर जाना, स्क्रोल अप। स्क्रॉल अप कर लेते अब ये जरा दिखाना क्या 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 स्टेप्स, मतलब जस्ट ये मतलब हर हैं। हाँ दिखा देता हूँ, तो ये स्टेप्स हैं। इज इट अ वैलिड इंक्वायरी, एक इंक्वायरी जितनी आती है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इज हाँ मटेरियल अवेलेबल केटीपीएल स्टॉक हमारे घर के, मतलब हम लोग के जो स्टोरेज में स्पेस में जो स्टॉक स्टोर्ड है उसमें है कि नहीं। उसके बाद हम लोग का जो सप्लायर है वहां पर, अगर हमारे पास नहीं है तो वहां पर चेक कर लेते हैं वहां पर स्टोर है कि नहीं। हम लोग के पास कोई मटेरियल रेडी नहीं रहता है तो हम लोग उसको फ्यूचर में उसको बनवा के फिर दे देते हैं, सो वी हैव दैट सर्विस एज वेल। कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है जो भी हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, कस्टमर ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट आउटसोर्स मटेरियल, मतलब हम लोग कोई तरह से, किसी भी तरह से अगर हम लोग नहीं कर पाते तो हम लोग माल बाहर से खरीद के दे देते हैं, उसको ट्रेड करके दे देते हैं। वो चीज़ है, वो कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। इंक्वायरी फॉर्म आगे हम लोग फिलअप करते हैं उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ। हम लोग की कंपनी में जो स्टॉक है उसको ब्लॉक किया जाता है। स्पेशल ऑर्डर है कि नहीं, स्पेशल मतलब हम लोग कस्टमाइज ऑर्डर्स भी लेते हैं। सो बाय डिफॉल्ट हम लोग जो प्रोडक्ट में डील करते हैं उसकी लेंथ 6 मीटर्स होती है, पर हम लोग 5 मीटर्स, 4 मीटर्स, 7 मीटर्स के भी हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं, प्लस स्पेसिफिक आगे चलना क्या 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 ऑर्डर्स देते हैं। एडवांस आ गया कि नहीं, ऑर्डर परचेज मैनेजर के पास गया कि नहीं, आउटस्टैंडिंग उसकी ही लिमिट में है कि नहीं। हम लोग डीलर से डील करते हैं तो डीलर्स में वही होता है कि यार ऑलरेडी उसके 4 बिल पेंडिंग है और फिर वो और मांग रहे हैं माल, तो सर उसको दे नहीं दें। पहले तो इसी में रह जाते थे, आधा टाइम में यही क्वेश्चन आंसर करता था कि उसको दे नहीं दें, उसका पैरामीटर क्या है, फिर तो उसका पूरा टैली चेक करो। टैली में जैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उसका पूरा चेक करो। पहले चेक होता था, पहले सब मैनुअल होता था, अभी सब ऑटोमेटेड एक क्लिक में होता है। पहले सब वर्बल होता था, आप अकाउंटेंट को, सब वर्बल होता था, सब वर्बल। अकाउंटेंट को पूछते थे, पता करके निकालता था फिर। ये तो ये सब आप ही दिहाड़ी पे लगे थे। जो सेल्समैन का फेवरेट कस्टमर होता था उसकी आउटस्टैंडिंग हमेशा आउट ऑफ द ऑर्डर ही चल रही थी। जो सेल्समैन को बढ़िया से चाय पिलाता था उसका हमेशा आउटस्टैंडिंग खराब ही रहता था और वो कभी अंडर द लिमिट नहीं आता। वेरी नाइस। आगे एफओआर डिलीवरीज हम लोग देखते हैं, टेक आउट द ओके सो आपके मतलब एक 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 लिस्ट छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डर्स के लिए हम हाँ मतलब एवरीथिंग सर, एवरीथिंग, मतलब मैं आपको इंक्वायरी से लेके ऑर्डर तक सारे, डिलीवरी कंफर्मेशन के बाद ही खत्म होता है। सो दिस इज 32 स्टेप्स। मेरी सिंपल सी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी ये 32 स्टेप्स का मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, एकदम स्मूथली चल रहा है, फर्स्ट क्लास। और इसमें अब आपको देखने की जरूरत पड़ती है कुछ? मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ सर। ओके नेक्स्ट। और क्या है ये? तो ऐसे आपके ये क्या 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 है, कौन से फ्लो चार्ट्स हैं, क्या क्या है पेमेंट की चुप? तो ये A to D का मतलब हुआ इंक्वायरी टू डिलीवरी, तो इंक्वायरी से लेके डिलीवरी तक पूरा का पूरा ये ट्रैक होता है। और इसमें D to C, D to C इज डिलीवरी टू, सो डिलीवरी तो हो गई, पैसे तो नहीं आए,
डिलीवरी टू कलेक्शन को इसके बेसिस पे ट्रैक किया जाता है। ये है SFMS, मतलब हम लोग को कोई पेमेंट करनी होती है तो वो उसका एक SFMS, उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये होता है अराइवल टू ऑर्डर। अराइवल टू ऑर्डर हुआ, जो मटेरियल आ गया उसको भी एक चेक करते हैं प्रोसेस से कि वो इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, वो इंक्वायरी से पेंडिंग है तो वो निकल जाता है। ये है अराइवल टू ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट। अब जैसे हम लोग बहुत सारी लॉरीज या हम लोग वेंडर्स यूज करते हैं ना, जैसे मतलब टाटा 407 है, 1109 है, बोलेरो है, ये सब सब हमारे वेंडर्स हुए जो हम लोग ट्रांसपोर्टर्स की पेमेंट टाइम से हो जाए उसके लिए SMS है। ये खोलो जरा, ये ट्रांसपोर्टर्स की FMS है, मतलब जो हम देख रहे हैं कि कौन सी ट्रांसपोर्ट लगी, कौन सी बुक हुई। हाँ सर, वो पूरा पूरा ट्रैक्ड है, कौन सी किसकी गाड़ी, क्या नंबर की गाड़ी और कहाँ गई हुई है, क्या है ये दिखाओ जरा। मतलब छोटी छोटी जो वैन होती है ना, जो 500 किलो भी लेके उससे ऊपर नहीं ले पाती, वो भी है 150 किलो माल। ये जो फेयर लिखा है जहाँ आपका कर्सर है 160 रुपए, ये क्या 160 रुपए हुआ है? नहीं, ये सब सब आप भी पूरा ट्रैक किया हुआ है। आप थोड़ी देर वो हो गए सर, मेरी आवाज आ रही है सर? अब आ रही है। तो ये 160 रुपए क्या है यहाँ पर 24th रो में? ये भाड़ा है, जो भाड़ा हम देंगे। तो 160 रुपए का भी भाड़ा जो है वो भी यहाँ पर मतलब पूरा ट्रैक हो रहा है सर? वो बैंक से पेमेंट होती है ना, तो वो पूरा ट्रैक कर देंगे। तो सारा का सारा, मतलब कोई भी छोटे से बड़ा, कोई भी भाड़ा हो, सब कुछ यहाँ पर होता है सर। आप देख लो, 2500 के भी हैं ट्रांसपोर्टर्स, 4000 के भी हैं ट्रांसपोर्टर्स, और 100 रुपए का आपने बोल ही दिया। वेरी नाइस। आगे दिखाना, ये क्या है? ये स्टेप टू, स्टेप थ्री, ये नीचे जाना जरा इसमें। ये लेटेस्ट है, मतलब लाइव है ये शीट सर? पूरी लाइव चलती है, मैं आपको लेटेस्ट दिखा देता हूँ डेटा। आज भी लगा होगा, कल लगा होगा, तो पूरा आपको क्लियर दिख जाएगा। दिखाओ जरा नीचे सर, 2 अगस्त तक अपडेटेड है, मतलब कल तक जो गाड़ियां लगी आपके सामने है। नीचे जाके दिखाना जरा, वो आप लैग चल रहे थोड़ा सर। ये 2 दिसंबर का, 2 अगस्त का डेटा मेरे सामने है, आपको दिख रहा है? नहीं, नीचे वो आपको दिख रहा है? गाइस कैन यू सी दिस? मैंने चैट, वो थोड़ा लैग चल रहा है आपका, नीचे जाना जरा। हाँ, अब दिख। तो ये 2 अगस्त में भी ये आर्यन स्टील की वैन लगी है, और ये 100 रुपए का भाड़ा है, और ये टास्क नंबर इसकी 500 है। यस सर, हर एक का टास्क आईडी भी होता है, तो एवरी टास्क दैट इज जनरेटेड इन आर कंपनी, उसका एक आईडी क्रिएट हो जाता है और उसके बेसिस पे उसको ट्रैक किया जाता है। वेरी नाइस। इसमें हाँ, आप यू कैन स्विच ऑफ योर अंकुर, यू कैन, ये दोनों अंकुर, यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो फॉर अ व्हाइल। आपका ना शायद इंटरनेट, हाँ नहीं, वीडियो ऑफ कर लो, वो स्क्रीन शेयरिंग ऑन रहने दो। ठीक है करता हूँ। ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, और वहां व्यू आएगा, व्यू पे आप स्टैंडर्ड पे चले जाओ, स्टैंडर्ड पे जाओगे तो फुल स्क्रीन दिखेगा आपको। हाँ जी, तो ये आपका मतलब कल परसों तरसों जितनी भी गाड़ियां हैं, और उसका ट्रांसपोर्टर का नाम भी यहाँ लिखा है, व्हीकल नंबर भी लिखा है यहाँ पर, व्हीकल टाइप, पार्टी नेम, एवरीथिंग। ओके, तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ, अब थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करो और दिखाना जरा लेफ्ट, अब लेफ्ट टू राइट करो। तो जैसे ये करते हैं, धर्मेंद्र यादव है, धर्मेंद्र यादव हम लोग निजॉन करके कंपनी है, वहां से कुछ माल लेके आया, इसका 3000 रुपए भाड़ा बनता है, वो डायरेक्ट कस्टमर को गया, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं गया, वो ट्रांसपोर्टर का बिल अरेंज हुआ, ट्रांसपोर्टर का बिल आ गया, आगे बिल टैली में चढ़ गया, हाँ चढ़ गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टर को बैंक ट्रांसफर हो गया, हाँ हो गया, और इसकी एंट्री हो गई टैली में, हाँ हो गई। बेसिक 7 सिस्टम से ये पूरा ट्रैक किया जाता है। वेरी नाइस। और ये सारा का सारा मतलब पूरा अच्छा। नाउ लेट्स गो बैक टू योर मेन शीट। हाँ जी सर। ये हमारे सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स, हेल्प टिकट रेज होती है, हेल्प टिकट का काम होता है, एक नया सिस्टम बनाने का सिस्टम है उस पे काम होता है,
पास्ट इंक्वायरी टू फ्लो चार्ट, मतलब हम लोग जो इंक्वायरीज हमारी डूब जाती हैं, मतलब उसको हम लोग ऑन द स्पॉट हम लोग आंसर नहीं कर पाए, उसको भी हम लोग तीन तरह से रिवाइव करते हैं। तो उसका सिस्टम बनाया हुआ है, कोई भी इंक्वायरी छूट नहीं जाए उसके लिए काम करते हैं। परचेज का दिखाना जरा और क्वालिटी का दिखाना। और परचेज का तो मैं अलग ही चीज आपको दिखाता हूँ। सर सर हमने ना परचेज के लिए आईएमएस लगाया हुआ है। सो परचेज का मेरा प्रॉपर टिपिकल सिस्टम, अब हम लोग का क्या है कि जैसे हम लोग जो पूरे मंथ की परचेज है वो हम लोग 1 तारीख को ऑर्डर करते हैं। तो आई के नॉट हैव अ टिपिकल सिस्टम जहां पर हम लोग एक एक आइटम ऑर्डर किया 20-20 टन का या 50-50 टन का और फिर उसको ट्रैक करते हैं। हम लोग अराउंड 750-800 SKUs मेंटेन करते हैं और उसमें हम लोग जैसे मैं आपको आईएमएस दिखाता हूँ, अपना आईएमएस दिखा दो। हम लोग इन्वेंट्री अपनी मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री मैनेज करने का सर ये सिस्टम है, ये है सर मेरा आईएमएस। ये अभी जैसे आज 3 तारीख है तो ये 2 तारीख तक का अपडेटेड सिस्टम है। सो इस तरह से हम लोग ट्रैक करते हैं, ये कलर्ड रहते हैं और हम लोग ये कलर्स हम लोग को इंडिकेट करते हैं कि अब हम लोग खरीदना है नहीं खरीदना है। तो ये सारा सारा माल जितना भी आपके पास माल है वो सारा का सारा आपके पास एक शीट पे दिख जाता है। 100% ट्रैक है सर, 100%। और पहले क्या था? पीसेस में ट्रैक है और ये टन्स में ट्रैक है। पहले क्या था? पहले ऐसा था सर कि सामान मिलता नहीं था, ऑर्डर आ गया हाथ में, हमें पता है कि कहाँ, मतलब हमारे पास है माल और हमें डिस्पैच करना है और डिस्पैच के टाइम पे वो आदमी बोल रहा है सर खो गया माल मिल नहीं रहा है। पहले सोचते थे, पहले थिंकिंग ये थी कि स्टॉक बढ़ाओ स्टॉक बढ़ाओ स्टॉक बढ़ाओ। उस चक्कर में हम लोग 200-300 टन जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग ने स्टार्ट किया था, हम लोग उसको खींच के 1500 टन पे ले गए थे। 1500 टन स्टॉक स्टोर करने लग गए थे, 6 गोडाउन मेंटेन कर रहे थे और वो 6 गोडाउन और 1500 टन स्टॉक होने के बाद भी हम लोग ये ट्रैक नहीं कर पाते थे कि हम लोग का माल है कहाँ, जिस वजह से डिस्पैचेस में डिले बहुत ज्यादा होते थे। अभी आज के दिन पे सब चीज ऑटोमेटेड है और सब चीज सिस्टम पे है, तो एकदम साथ साथ सामने सामने। तो मतलब आप कह रहे हो सारा सब कुछ ए टू जेड आपको मालूम है कि कौन सा माल है, कितने टन है, कितने पीस है, कितने पीस भी मालूम है आपको? सर यहाँ पीसेस ही लिखे हुए हैं एग्जैक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जाओ जरा, एक मेरी गलती हुई मैं आपको बता देता हूँ। ये 1300 आइटम्स हैं। जब मैंने आईएमएस चालू किया था तो मेरे पास 650 आइटम्स मेंटेन होते थे। आज के दिन पे हम लोग 1300 एग्जैक्टली डबल हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और एकदम सब सामने है ऊपर जाना। मतलब आपको ये मालूम है, लेट से फॉर एग्जांपल पहली जो कॉलम है, पहली जो रो है, आपने बोला 12 mm ODMS पाइप 1.2 mm, इसका आपके पास 0 टन, जीरो, अच्छा ये तो 0-0 है। इसका देख लीजिए, 17th रो है ना, इसका देख लीजिए, ये एनबी, ये हमारे टेक्निकल प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट के नाम भी ऐसे हैं। ये हमारे पास 372 पीसेस है जिसका अप्रोक्सीमेट 1.7 टन होता है। ये हमारे पास था 1 तारीख को और 2 तारीख को भी एग्जैक्ट सेम स्टॉक था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो आपको हर मतलब आइटम का टन और पीसेस मालूम है और ये पूरा ट्रैक हो रहा है, ये डेटा वैलिड है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एकदम। एवरी मंथ ऑन मंथ हम लोग फिजिकल प्रॉपर स्टॉक टेकिंग भी करते हैं और उसमें कुछ 1-2% वेरिएशन आता है, बट दैट्स एडजस्टेबल। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और ये सारा मतलब सारी सारी इन्वेंटरीज पे पीसेस और टन्स में मैप्ड है सर, 100%। मतलब 1300 आइटम्स मैंने आपको दिखाया, हम लोग 1300 SKUs मेंटेन करते हैं एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली मैप्ड। वेरी गुड जी, ओके, गो बैक। परचेज का आप, परचेज का भी आप क्या कह रहे हो? तो परचेज का सर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने एक सो एग्जैक्टली हम रिवर्स आईएमएस भी मेंटेन करते हैं। रिवर्स आईएमएस का मतलब हुआ कि हमारे पास वो निजॉन पेंडिंग आईएमएस कहाँ पर है, निजॉन पेंडिंग। तो सर हमारे कितने ऑर्डर्स कंपनी में पेंडिंग हैं, मैन्युफैक्चरर के पास पेंडिंग है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। सो दिस शीट शोज अस कि ये कितने ऑर्डर्स हमारे पास हैं जो कंपनी के पास पेंडिंग है। सर ये अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने ये 40 mm NB का जितना माल मंगाया था उससे कंपनी ने 4 टन माल एक्स्ट्रा भेजा है हमें। ओके, और ये ऊपर जाना, थोड़ा ऊपर जाना, मतलब ये 4 पीस भी इसमें दिखा होता कहीं, दो। हाँ सर, 4 पीस भी एक्स्ट्रा भेजेगा तो क्यों भेजेगा, एक्स्ट्रा माल नहीं चाहिए। 19 रो पे जाना, ये रहा सर, तो ये 3 पीस माल एक्स्ट्रा भेज दिया इसमें।
नहीं सर, ये तीन पीस का मतलब तीन पीस का ऑर्डर हमने दिया है कंपनी को। अच्छा, तो आप तीन पीस का ऑर्डर भी देते हो तो वो भी यहाँ सब कुछ मैप हो जाता है। हाँ सर, मतलब वो लोग हंस रहे थे पर हमने डाला है, हम तो तीन ही पीस लेंगे। वेरी नाइस। तीन पीस आप कंपनी से ऑर्डर ले लेते हो? हाँ जी, तीन पीस ऑर्डर ले लेते हो सर जब उसको पता है कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो रही है तो जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा, वैसा हाल हो गया। वेरी गुड जी। कोई पूछ रहा है और इन सब लोगों को ऐसा लग रहा है, कहते हैं जी कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंट है जो ये काम करवा के देगा मेरे को? सर ये आदमी ने जो किया है वो मेरा नाम है अंकुर केडिया, और जो कंसल्टेंट है वो मेरा राहुल जैन है। तो ये सब आपने यही सीखा है, सब सीख करना? सर जितना कुछ किया है, जितना मैं दिखा रहा हूँ सब एक साल में है। मैं आपको सर पीओ प्लानिंग शीट एक दिखाता हूँ, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शीट, तो इसलिए थोड़ा दिखाना सही बनता है। हम लोग पीओ प्लानिंग करते थे, मतलब परचेज की प्लानिंग करते थे। परचेज की प्लानिंग में एवरी डे मेरे फादर के 5 घंटे जाते थे। अच्छा, पीओ प्लानिंग शीट कहाँ पर हुआ? पीओ प्लानिंग 4-5 घंटे क्यों जाते थे पीओ प्लानिंग में? सर कि माल खरीदना क्या है, ये चीज मैप, ये चीज निकालना और कैलकुलेट करना एवरी डे कि क्या क्या स्टॉक है। पहले तो सारे स्टॉक देखो, फिर उसको देखो कि क्या क्या अपने पास नहीं है, तो वो सब सब में बहुत टाइम जाता था। अब वो लिटरली 2 क्लिक में निकलता है, वो 2 क्लिक में कैसे निकलता है वो मैं दिखाता हूँ। पीओ प्लानिंग, पीओ प्लानिंग शीट, लिंक क्या है यहाँ पर जो लिंक है? सर ये पीसी शीट बनाई हुई है, तो पीसी शीट में जितनी चीजें हैं, जितने सिस्टम्स हैं, सब उसको लिंक किए हुए हैं। वो लिंक करने से दिख जाता है क्लियरली कि क्या करना है, क्या कहाँ पर क्या सिस्टम्स हैं। ऑल सिस्टम्स आर, मतलब ये आप समझिए सिस्टम्स का मैप है, सिस्टम्स का गूगल मैप है। ये कंपनी में इतने सारे सिस्टम्स हो गए हैं कि उसको भी ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था, तो वो बनाया हुआ। अच्छा सर ये है, इसमें क्या है, जो मटेरियल्स हैं जो आइडियली हमारे पास स्टॉक होना चाहिए वो है, उसके बाद हमारी करंट रिक्वायरमेंट क्या है वो क्लियरली यहाँ पर आ जाता है। ये कलर्स इंडिकेट करते हैं कि उसकी अर्जेंसी कितनी है। अगर रेड है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्जेंट है, येलो है तो हाँ ठीक है वो 5-10 दिन में आ जाए चल जाएगा, ग्रीन है तो कोई बात नहीं महीने भर में डिलीवर कर दो तो चल जाएगा, ये रेड है तो एकदम इमरजेंसी ऑर्डर्स हैं ये, तो उसको हम लोग एकदम इजीली ट्रैक करते हैं। अभी ऑर्डर हमने क्या प्लेस कर दिया है कंपनी में उसका भी ट्रैक है कि भाई हमने कितना ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है। तो अब इसका 1 टन ऑर्डर किया हुआ है, ये टन्स में है, ये 2 टन है, ये 2 टन है, ये 1 टन है, जो ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस हैं वो सामने है। वो ऑर्डर्स प्लेस करने के बाद भी हमारी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या है ये वो दिखाता है कि भाई ऑर्डर्स तो मान तुमने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया पर 600 किलो माल और चाहिए, तो ये 600 किलो माल लिखा हुआ ये और ऑर्डर प्लेस कर दो। वेरी नाइस। ये शीट ही बता देती, आप खुद नहीं करना पड़ता सर। 5 मिनट जॉब है, इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करते हैं, उनको भेज देते हैं, दैट्स इट। ये शीट को ही शीट उठा के दे देते हैं भाई इतना ऑर्डर दे दो। यस यस यस, परफेक्ट। ये जो 2 कॉलम्स हैं, ये 2 कॉलम पूरे के पूरे क्लियर बता देते हैं कि और हमें क्या ऑर्डर करना है, सिंपल। और ये एवरी वीक में वंस करते हैं, तो दिन के 4 घंटे जहां लगते थे वहां आज हफ्ते के 20 मिनट लगते हैं। वाओ, और एक्यूरेसी इससे बड़ी कर कम हुई? सर एक्यूरेसी कई ज्यादा है, मतलब एक्यूरेसी इज एट अनदर लेवल। पहले गलतियां होती थी कि गलती से ऑर्डर कर दिया हमने, अब गलती से माल आ गया तो ठीक है पड़ा हुआ है। आज के दिन में हमने स्टॉक इतना घटाया है गलती गलती का, वो आज भी घटा ही रहे हैं हम लोग, थोड़ा 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 करके घटा रहे हैं स्टॉक। मतलब स्टॉक घटाने में तो सर मैं क्या बोलूं, मैंने 40% स्टॉक घटा दिया है। 40% % स्टॉक हैज कम डाउन सर, अराउंड 37.56% ऐसा कुछ है, 37% to 38% स्टॉक घटा दिया है। हम लोग उसको और घटा रहे हैं, आर टारगेट इज अबाउट 42%, तो वो पहुंच जाएंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ पहुंच जाने चाहिए। वाओ, और स्टॉक घटाने का मतलब ये नहीं हमने बिजनेस कम किया है, हमने लास्ट ईयर में, जैसे एक साल का ही अपना बोल रहा हूँ रिजल्ट, एक साल में हमने 37% स्टॉक घटाया है, तो हमने 30% सेल बढ़ाई भी है, तो ये साइमल्टेनियसली किया हमने। वेरी नाइस।
सर ये हमारी कंपनी के डैशबोर्ड्स हैं, एक मैं और एक डेलीगेशन शीट। चलिए डेलीगेशन शीट तो ठीक है, हमने सब चीज व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दी है, तो जितने भी मैं लोगों को काम बांटता हूँ वो सब लोग डेलीगेशन के थ्रू फॉलो करते हैं, और वो लोगों ने काम किए नहीं किए क्या हुआ मेरे पास ऑटोमेटेड मैसेजेस आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हेल्प डेस्क, ये मेरा व्हाट्सएप बॉट है जो चलता है। तो आज ये कौशिक ने काम खत्म कर लिए तो इसके मेरे को मैसेजेस आते हैं, ये सौमिता ने फ्लोचार्ट बना लिया तो इसका मेरे को मैसेजेस आता है। तो ये जितने भी लोग जो काम खत्म कर देते हैं मेरे को ऑटोमेटेड मैसेजेस आते हैं कि सर ये काम खत्म हो गए या काम शिफ्ट हो गए, तो दीज आर द मैसेजेस दैट आई गेट ऑटोमेटेड। आप स्टाफ से अब सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते? मैं तो सर बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो एक जन से अपनी ईए से बात करता हूँ, वही सब कुछ मैनेज करती है। वेरी नाइस। तो टास्क सारा व्हाट्सएप से जा रहा है और व्हाट्सएप से आ रहा है? टास्क सारे व्हाट्सएप से जा रहे हैं? व्हाट्सएप से? हाँ सर, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं हम लोग, टेलीग्राम भी यूज कर रहे हैं, तो टेलीग्राम से जो चेकलिस्ट के काम है वो सारे लोग डन करते हैं, अपडेट करते हैं। सो स्टाफ के लिए हमने इंटरनल वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे वो लोग के जितने पेंडिंग काम है वो लोग उनको दिख जाते हैं, वो लोग टेलीग्राम पे ही अपने काम अपडेट कर देते हैं। तो जो स्टाफ आप बोल रहे हैं कि मेरा अपग्रेडेड नहीं था, हाँ वो अपग्रेडेड नहीं था। एक 50-55 साल का आदमी है जो वेयरहाउस पे काम करता है, जिसको मैं कम से कम 5 साल से कंप्यूटर सिखाने का ट्राई कर रहा था, उसने उस वो आजकल सब अपने मोबाइल पे सब चीज अपडेट करता है कि मैंने काम खत्म कर दिया। वेरी हाँ, हमेशा पर हमेशा से उसका लैकिंग यही था कि वो टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली एकदम भी नहीं था, बट टुडे ही इज द पर्सन जो सबसे पहले अपडेट करता है कि हाँ सर मैंने काम खत्म कर दिया, आप देख लो मेरा स्कोर देखो। तो आपने कोर्स और ये सारा का सारा कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है आपने, क्या किया है? सर अपने हाथ से बनाया है कोई। और ये आपको पहले टेक्नोलॉजी आती थी और किस किस प्लेटफॉर्म पे बनाया सब? सर टेक्नोलॉजी मतलब हाँ टेक्नोलॉजी आती थी, गूगल ड्राइव ये पता था कि वो एक डंप स्टोरेज है, वर्चुअल डंपिंग ग्राउंड है, तो सिर्फ म्यूजिक स्टोर करने और फोटोग्राफ्स स्टोर करने, फैमिली फोटो स्टोर करने के अलावा कुछ करता नहीं था। गूगल ड्राइव की असली पावर अब समझ में आई है। तो अब ये सारा का सारा सिस्टम किस पे बना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बना है? सब कुछ गूगल ड्राइव पे है सर। लोग अपने खर्चे देखते हैं कि जैसे गल्ला होता है ना, गल्ला गल्ले पे कितने रुपए रखे हुए हैं, वो लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखिए मेरा लिखा हुआ है क्लियरली कि पेटी कैश में, ऑफिस में पेटी कैश 8,000 रुपए है और गोडाउन पे पेटी कैश 3,000 रुपए है। ये कल रात को मेरे को 7:30 बजे क्लोजिंग बैलेंस आया है, तो 3,030 रुपए हैं, वो भी क्लियरली सामने मैसेज आता था मेरे पास। ये सारा ऑटोमेट हो गया? 100% ऑटोमेटेड है, कोई मेरे को मैसेज नहीं भेज रहा है, ऑटोमेटेड आते हैं सारे। और ये सारा सारा ऑटोमेशन आपने गूगल ड्राइव पे किया? गूगल ड्राइव पे सब फ्री है, मतलब ये सारा फ्री सिस्टम है? हाँ सर एकदम, मतलब वो जो आपके ईमेल आईडीज का जो लगता है वो लगता है, विच इज मतलब 1500 रुपए साल का एक आदमी का यूजर का है, तो मेरे 1300 यूजर्स हैं, 13 यूजर्स हैं, सो अप्रोक्सीमेट आप समझिए मेरा कितना खर्चा है, महीने का कुछ 1500-1600 रुपया, दैट इज मतलब वो ईमेल आईडीज का कॉस्ट है। सिस्टम्स का तो सिस्टम्स उसके अंदर इट इज, आप जितने सिस्टम्स बना लो उतना आपके ऊपर है। और ये सारे सिस्टम्स आपने कहाँ से बनवाए? सर सानिध्य सर की क्लास इज्जत से की, आपकी क्लास इज्जत से की, तो सारे सिस्टम्स बन गए। वेरी नाइस। वो जो गूगल की क्लासेस करी उसी पे सब कुछ बन गया पूरा पूरा, मतलब ऑनेस्ट अभी आपको देखने में लग रहा है कि हाँ बन गया है, पर वही मेरे मन में तो अभी भी डिससैटिस्फैक्शन है कि नहीं और बना सकता हूँ, और बना सकता हूँ। वेरी गुड। और जब आप आए थे तब आपको गूगल और ये सब एक्सेल वेक्सेल नहीं आता था? आता था सर, गूगल और एक्सेल में बोलता रहा हूँ, गूगल ईमेल तो ठीक है, ईमेल रिप्लाई और फॉरवर्ड और डिलीट करना तो सभी को आता है, और गूगल ड्राइव पे मैं सिर्फ उसको सॉन्ग्स स्टोर करने के लिए यूज करता था, फैमिली फोटोग्राफ स्टोर करने के लिए यूज करता था, इसके अलावा मेरे को नहीं पता था कि गूगल ड्राइव में होता क्या है। आज के डेट में पूरी मेरी कंपनी गूगल ड्राइव पे रन कर दी है, सो आर मतलब गूगल पे 100% डिपेंडेंट है, ऑल आर सिस्टम्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट। मैंने रिसेंटली सारे एम्प्लॉयज से बैठ के ये पूछा कि भाई
साल में क्या चेंज आया, एक साल में क्या, तो सब बोले कि सर हमको पता है, सिस्टम बता देते हैं हमें क्या काम करना है। अरे मैंने आपको डैशबोर्ड तो एम्प्लॉय का डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ईजी है काम करना। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, आप अपना वीडियो ऑफ कर दो, दो मिनट वीडियो सिर्फ। ठीक है ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा बैंडविड्थ कम है। हाँ ओके, सीआरएम का वीडियो के अंदर है सीआरएम। सर तो ये मोनालिसा बोस हैं, इनके इनका पूरा ग्राफ है, ये इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ है, लास्ट चार हफ्ते की इनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करके उसके स्कोर्स के उसके ग्राफ हैं कि कैसे चल रहा है। तो ये उनको पता रहता है, रियलिटी चेक मिलता रहता है कि कैसा चल रहा है। उसके बाद ये सर नॉर्मल सारे स्टाफ्स हैं, मतलब ये सारे काम हैं, ये आपके एवरी डे के जितने टास्क हैं, डेली टास्क यहाँ सामने हैं ये, और अदर देन डेली टास्क जो हैं वो हैं, चेकलिस्ट के सारे हो गए और ये सारे काम। तो आप ऊपर जाना एक मिनट। हाँ जी, तो इसमें अब सिर्फ जो करना है कि वो उसको जाके यहाँ पर डन क्या करना होता है? बस ये एक क्लिक करना है और डन हो गया। बस बस, तो बाकी सारा काम सिस्टम कर रहा है। बाकी वो अंदर का कितने बजे डन किया, कितना क्या डन किया, कितना काम नहीं किया, कितना काम किया, वो सब इंटरनल ट्रैकिंग है, वो उसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है। तो आप हर स्टाफ को सिर्फ ऐसे ये दिखता है और उसको सिर्फ यहाँ पर जाके डन नॉट डन देखना है। सारा जो जैसे कि परचेज का सिस्टम है या ऑर्डर टू डिलीवरी का सिस्टम है, वो सब एवरीथिंग सब उस पे आ जाता है 100%। वेरी नाइस, सो सब कुछ ऑटोमेट हो गया, सिर्फ स्टाफ को ये भरना है डन नॉट डन। एकदम एकदम, और कुछ नहीं करना एकदम। ये भी आपको डिलीवरी टू कलेक्शन का भी है, तो जैसे डिलीवरी टू कलेक्शन का वो सीआरएम कॉल करती है, तो बस ये पार्टी का देखा, उसको कॉल किया, डन किया, अपडेट कर दो। तो आज के डेट में इसको जितने करने हैं कॉल्स वो यहाँ पर लिखा हुआ एकदम सब सामने। दिस इज एज सिंपल एज दिस, बस एज सिंपल एज दैट, वन क्लिक शॉट डन। वेरी नाइस। और अभी जो आप कह रहे हो कि आप मेरा जो स्टाफ है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो सब ये सब संभाल लेता है? पूरा संभाल लेता सर, एक क्लिक करना, तो वो तो एक क्लिक करने में क्या, एक क्लिक वो तो समझा, मतलब कोर्स के थ्रू सब चीज हो जाएगा। दिस इज ऑल आई एम सेइंग, कोर्स में होमवर्क अच्छे से करते रहो, कोर्स में एकदम लगा के काम करते रहो, जो एक एक वीक में नए नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो सब कंप्लीट करते रहो, एवरीथिंग विल बी डन। ओके, अब एक मिनट इसको बंद करो। अब ये बताइए कि इसका व्हाट आर द रिजल्ट्स यू गॉट आउट ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम एक बार? मैं अपना वीकली शेड्यूल भी दिखाऊं सर, इतना ऑर्गेनाइज मैं लाइफ में कभी नहीं रहा हूं, तो आई वुड लव टू शेयर दैट आल्सो। मतलब आज की जो शेयरिंग थी वो अगर आपको दिख रही हो, ये कर्सर मेरा है, तो वो भी प्लान्ड था। सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, इस तरह से एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं लोग। और सर एक चीज और दिखाऊंगा सर, जैसे आप, हाँ सर आप रिजल्ट्स पूछ रहे थे, ये रिजल्ट्स क्या है सर? रिजल्ट्स में वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये, एक मिनट ये स्क्रीन बंद कर दो, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। Now tell us the results you got out of doing the BMP program. BMP program से सर ये हुआ है कि majorly I am free, सबसे major है I am free. To be honest उससे भी better है कि मेरी thinking बहुत change हो गई है, काम किस तरह से किया जाता है, काम किस तरह से करना चाहिए, क्या हम लोग progress करते हैं, क्या हम लोग lag करते हैं, ये एकदम clear सामने सामने clear table पे पड़ा हुआ है कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या बचा हुआ है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट। सो इट्स मतलब आई नो वेयर आई एम लैकिंग, ये पहले नहीं पता था। रिजल्ट ये आया है कि प्रॉफिट्स अच्छे बढ़ गए हैं, रिजल्ट ये आया है कि सेल्स 30-35% एक साल में बिना मेहनत किए इंक्रीज की है। और ये प्रॉफिट कितने बढ़ गए अच्छे, मतलब डबल हो गया सर? हो गया डबल, मतलब कितना? 30% सेल बढ़ गई, डबल हो गया, ऐसे कैसे सर? 30% सेल बढ़ी है, हमने क्या है, हमने आई टेल यू समथिंग,
अब जैसे हम लोग क्रेडिट पहले अब कुछ स्टील की बात सुनते हैं, एक दो जन यहाँ लिख भी रहे थे कि आपने कैश में देते हो क्रेडिट में देते हो, हम लोग 5 साल पहले भी 7 दिन बोल के बेचते थे, हम लोग आज के डेट पे भी 7 दिन बोल के बेचते हैं, बट हम लोग इतना खराब थे काम करने में कि हमारी क्रेडिट ड्यूज जो अगर मैं एक्चुअली निकालू तो दैट वॉज 45 डेज 44-45 डेज कुछ था, कि 45 दिन का किसी भी मोमेंट पे वो क्रेडिट हमारे सामने रहता ही था। आज के डेट पे ये सिस्टम्स लगा के आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग इट डाउन टू 22% 22 डेज फ्रॉम 44-45 डेज आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग दैट डाउन टू 22-23 डेज विच इज हाफ। सो मेरी सर्कुलेशन डबल हो गई है। इसके डबल हो गई मतलब उससे क्या, मतलब उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर? पैसे अगर मैं जल्दी रिकवर कर लूंगा तो मैं वापस माल खरीद के वापस बेच पाऊंगा, और सेम वही 12 महीने के पीरियड में अगर मैं रोटेशन अगर मैं ज्यादा कर दूं तो मेरा कैश फ्लो बढ़ जाएगा, मेरा प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, एवरीथिंग विल इंक्रीज। वेरी नाइस। सो नाउ आपने अपना जो क्रेडिट पीरियड है मार्केट में 45 डेज से 22 दिन पे ले आए। हाँ सर, नेक्स्ट 3 महीने में आई प्लान टू ब्रिंग इट डाउन टू 10 डेज 10 डेज कस्टमर क्यों मानेगा? कस्टमर तो मानेगा नहीं क्योंकि 50 लोग और बैठे हैं। नहीं सर, 50 लोग बैठने की बात नहीं है, हम लोग पहले भी 7 दिन बोल के बेच रहे थे, आज भी 7 दिन बोल के बेच रहे हैं। ये हमारी लैकिंग है कि हम लोग उसको उसके बेटर सिस्टम्स नहीं है। अब वो सिस्टम्स की साइंस हम लोग समझ गए तो हम लोग उसको अभी 10 दिन पे ले आएंगे, एंड समवेयर डाउन द लाइन आई सी माई सेल्फ कि वहां मैं 100% एडवांस बेच रहा हूँ। ये मैनिफेस्टेशन है, उस मैनिफेस्टेशन को भी पूरा करेंगे। 100% एडवांस सेलिंग इन कमोडिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या, व्हाट आर द अदर रिजल्ट्स यू गॉट? आप हैंग कर गए थोड़ा। यू हैव टू रिपीट। ये आया है कि मैं फैमिली को पॉजिटिव इफेक्ट ये आया। सर एक चीज दिखाना चाहूंगा। हाँ आप थोड़ा सा हैंग कर रहे हो तो आप दिखाओगे तो वो बंद करना पड़ेगा। भैया आप हैंग कर रहे हो अंकुर। हाँ सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आपको रिपीट करना पड़ेगा थोड़ा कि क्या आप बोल रहे थे क्योंकि आप बीच में गायब हो गए थे। हाँ जी सर, लास्ट चीज शेयर करूंगा सर। अगर मेरी आप लोग को सबको अगर मेरे काम अच्छा लगा हो और कुछ काम लगा हो कि हाँ दिस कंपनी इज डूइंग गुड, तो प्लीज डू गिव अस अ रिव्यू। इसको आप स्कैन कर लेंगे तो हमारा रिव्यू का पेज खुल जाएगा। वी वुड लव फॉर यू टू गेट अ रिव्यू एंड वी वुड लव टू वर्क ऑन इट कि आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी यहाँ लैग कर रही है, तो वी वुड लव टू वर्क फॉर दैट एज वेल। वेरी नाइस। तो और रिजल्ट्स और क्या है आपको अभी? हाउस आपको हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ता है प्रॉफिट? काम करना पड़ता है अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा हाफ डे अ वीक काम करना पड़ता है। हाफ डे अ वीक के बिना मैं नहीं काम करूं तो सब चल जाएगा, सब स्मूथली चलेगा, नो इश्यूज। वेरी नाइस। तो आप कह रहे हो आप हाफ डे वीक पे काम कर रहे हो और आपके प्रॉफिट्स डबल कर गए? हाँ सर, बीएमपी खत्म होने के बाद ऐसा जोश आया कि 19 दिन की रोड ट्रिप पे निकला हुआ था। वेरी नाइस। 5,000 किलोमीटर गाड़ी चला के आया, मेरे को अच्छा शौक है ड्राइविंग का, तो 19 दिन का हॉलीडे मार के आया। वेरी गुड। और फैमिली लाइफ पे क्या है? सर फैमिली लाइफ एकदम चिल्ड आउट है। मम्मी की दो चार विशेष थी कि एक दो यहाँ तीर्थ स्थान पे जाना है, वहां जाना है। अभी लास्ट 6 महीने में 3-4 डेस्टिनेशन हो गए, नेक्स्ट 6 महीने में और 3-4 डेस्टिनेशन वो भी हो जाएंगे।
And relationship with wife, children. Sir, everything is very, very good. Everything is good. Very good. Very good. Awesome. चलिए इसको आप आई थिंक आप रिव्यू के लिए सबने फोटो खींच के एक बार रिव्यू कर लेना सब. एक मिनट इसको बंद आप एक सेकेंड आपको लेकर आऊं या स्पॉटलाइट करूं. ओके डियर. ओके स्पॉटलाइट करें. हाँ जी. ओके ग्रेट. So, ये जो anybody else, any other question, or rather more important, आप क्या बोलना चाहोगे क्योंकि आपने ये पूरा कोर्स कर रखा है, आपके साथ इतने लोगों ने कोर्स कर रखा है. Anything else that you want to share with people? Or सर ये only thing that I will share is कि यहाँ पर ना ये कोर्स जो है आप सोचते हो कि हाँ 9-10 महीने का कोर्स है, तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो जिस हफ्ते जो चीज सिखाई जा रही है, आपका बैच वेंसडे का है, आज वेंसडे है, आप प्लान करो कि मैं थर्सडे खत्म कर दूंगा. वेंसडे क्लास करके थर्सडे आप होमवर्क खत्म कर दोगे, उसी नेक्स्ट डे यू विल बी अ रॉकिंग सुपरस्टार. मैंने जितने 5 AM साइंस वगैरह आई श्योर आई डोंट नो अभी तक आई है कि नहीं, बाद में आएंगी. मैंने 5 AM जितने BMP के कोर्स में नहीं किए, BMP कोर्स के बाद उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किए, एंड दैट हैज बेनिफिटेड मी सो मच, इट्स इनक्रेडिबल. ओके जो भी साइंस रहे हैं वो एकदम 100% फॉलो करिए, एकदम हेजिटेट मत करिए, और नेक्स्ट डे ही खत्म. एक असाइनमेंट में 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाले. वेरी नाइस. दिस इज व्हाट माय एडवाइस वुड बी, नेक्स्ट डे खत्म कर दो. एक एक हफ्ते का एक एक वीक करते जाओगे, यू विल बी एकदम एट पेस. ओके और जो लोग नहीं कर रहे अभी, जो बोल रहे हैं फोमो हो रहा है, कहता स्केड्यूल तो बन नहीं रहा, बाकी क्या होगा मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, सो उनके लिए क्या एडवाइस है? आपके बैच में भी ऐसे लोग थे क्या? उनको रिजल्ट्स मिले क्या? नहीं मिले क्या हुआ? सर बैच में क्या, मैं तो खुद था सर. सर शेड्यूल नहीं हो रहा है, 5 AM नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. कंप्लेन करने से नहीं होगा. एंड ऑफ द कोर्स क्या है, वो थोड़ा वो जोश आया और एकदम स्पीड में आया, तो साइंस फॉलो करने से काम है, एज सिंपल एज दैट. आप अपने एक्सक्यूजेस में डाल लो और करते रहो, तो वो एक्सक्यूजेस ही चलते रहेंगे. अगर आप वो चीज फॉलो करोगे, इट विल हेल्प यू ओनली. तो हमारे बैच में मैं बता रहा हूँ, मैं वन ऑफ बेस्ट था, मतलब वीकेस्ट नहीं बोलूंगा, बट हाँ आई वॉज नॉट इन द टॉप 10. सो देर आर पीपल जिन्होंने, मेरे ही बैच की बात बता रहा हूँ, मेरे बैच में लोगों ने 13 होटल चेक-इन्स किए हैं, 14 होटल चेक-इन्स किए हैं within before the course ended. So मतलब उसके systems और crazy हैं. So आप ना will not आप मेरे systems आप ना एक second video off कर दो क्योंकि आपकी decent है ऐसे. हाँ अब आप बताओ, आप कह रहे हो सर ये बेटर है क्या? आप अपने बैच में strongest थे, मिडिल थे, क्या थे आपके बैच में? आपसे ज्यादा बढ़िया सिस्टम बने, आपका क्या हुआ? और कम से कम 50-60-70 होंगे. मैं टॉप 100 में अपने आप को मानूंगा मेरे बैच में, ये मानूंगा. और जब लोग शेयर करने आते थे ऐसे, तो आपको क्या लगता था? मेरे को हमेशा फोमो होता था, सर मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, अरे यार इसने ये सिस्टम बना लिए, अरे यार इसने ये सिस्टम बना लिए. So, ऐसा हाल था कि अरे यार मैं सिर्फ लिख लेता था कि वो क्या टॉपिक उसने कवर किया है और वो आदमी का नाम नंबर क्या है. तो मैं अब जैसे यहाँ मेरे को दिख रहा है एक अमन उदार करके, तो भाई समझो उसने कुछ अगर HR का कुछ अच्छा शेयर किया, उसने अच्छा सिस्टम बनाया, तो मैं लिख लेता था HR सिस्टम, मेरे को 3 महीने बाद अमन उदार को कॉल करके मेरे को पूछना है. सो दिस इज हाउ आई यूज टू यूज. 3 महीने बाद वन नोट पहले यूज करना नहीं आता था. वन नोट में मैं इतना डूब गया हूँ कि मैं वन नोट से बाहर बात ही नहीं करता हूँ. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस. अब ईए कैसे चल रही है, ईए का क्या रोल है? सब ईए लाइफ मेरी चला रही है. मेरे से ज्यादा मेरी लाइफ के बारे में ईए को ज्यादा नॉलेज है, तो सब चीज वो संभालती है, सब चीज वो चलाती है.
कंपनी में ईए का क्या रोल है? कंपनी में ईए का बहुत बहुत बड़ा रोल है कंपनी मैं कंपनी कम चलाता हूँ, मैं ऑफिस ही नहीं आता हूँ कंपनी कौन चलाएगा? नहीं तो अभी ईए का क्या रोल है कंपनी चलाने में? वो सारे टास्क डेलीगेट करती है, वो सारे लोगों से टास्क लेती है, वो सारे फॉलोअप्स करती है, अलाइनमेंट करती है. शी इज वन ऑफ द हेड्स ऑफ द कंपनी. शी इज रनिंग, मतलब शी इज एक्चुअली रनिंग द शो. आई एम मोर देन 70-80% ऑफ द टाइम आई एम नॉट इन ऑफिस. शी इज द वन हु इज रनिंग द शो. तो आप कह रहे हो कि ये ही मतलब मोस्ट ऑफ कंपनी मोस्टली ये ही चलाती है? यस यस, आज के दिन पे तो चला रही है. आपके बैच में बाकी सबके साथ भी ऐसा ही है कि कैसा है? सेम चीज है सर, एकदम सबके साथ सेम है. वही चलाएगी कंपनी, यही कंपनी चलाएगी एकदम. अभी तो लोग रो रहे हैं कि जी ये मेरी वो सैलरी उसकी क्या दूं और उसका क्या करूं और सैलरी का क्या. आपके तो इतनी सारी सैलरी, आप कह रहे हो कि आपके लोग इतने बढ़ गए हैं, आपका मैन पावर पहले कितना था अब कितना है? मैं पहले था मेरा कुछ 7-8-10 आदमी जो मैनेज ढंग से नहीं होते थे. आज के डेट पे हमारे पास 27 एम्प्लॉइज हैं जो परफेक्टली मैनेज हो रहे हैं. वेरी नाइस. और ये आपने खर्चा बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ा दिया तो उसका क्या मतलब, खर्चा कैसे बढ़ाया? खर्चा बढ़ा दिया इससे आपकी प्रॉफिट कम नहीं हुए? तो खर्चे जो बढ़े हैं, मेरी कंपनी के प्रॉफिट 98% जंप किए हैं इन द लास्ट 1 ईयर, कोर्स खत्म होने से पहले पहले. और आप कह रहे हो ये खर्चे बढ़ाने के बावजूद आपका 98% आपका प्रॉफिट बढ़ा है? यस यस, ये ईयर जो हमने 21-22 जो बैलेंस शीट क्लोज की है उसमें नेट प्रॉफिट इज 98% अप फ्रॉम लास्ट ईयर. वेरी नाइस. तो मतलब ये आपने मैन पावर बढ़ाने से प्रॉफिट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता? सर मैन पावर ही तो काम करेगी ना, मैन पावर ही नहीं रखेंगे तो काम कौन करेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड जी गुड. सो पैसे बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मैं और बोलूंगा कि आप लोग जेन्युइनली, मतलब आई विश ये मेरे को कोई वाके बोल दिया होता, मेरे को समझा दिया होता, मेरे को आप लोग अपना भाई समझो और जेन्युइनली ये ब्रदर्स एडवाइस मानो, पैसे बचाने का इस कोर्स में एकदम भी ट्राई मत करो. क्यों? कोर्स इन्वेस्टमेंट है, ये कोर्स एक्सपेंस नहीं है. ये कोर्स में 8-10 लाख जितने जो लगने हैं, ये कोर्स का आप मिनिमम 5 गुना निकाल के अगर नहीं जाओगे तो आप आके मेरे से बात कर लेना. वाह. तो बीच में जो गूगल की वर्कशॉप्स होंगी, ये होगा वो होगा, वो सब खर्चे वर्चे सब चिल्लाने शुरू करते हैं, तो उसका मतलब क्या करना चाहिए? अभी क्या होता है आज के डेट पे, मैं बीसीआई की टीम को चेज करता हूँ कि नेक्स्ट वर्कशॉप कौन सी हो रही है मेरे को बता दो. आई वॉन्ट टू बी 100% एनरोल्ड. जो भी वर्कशॉप हो रही है मेरे को बता दो, मैं अटेंड करूंगा. ये कोर्स में आप जितने पैसे लगाओगे उसका 5 गुना मिनिमम लेके जाओगे अगर आप सिंसियर हो तो. थोड़े से भी सिंसियर हो, बेसिक सिंसियरिटी भी है तो भी आप लेके जाओगे. मगर आपको आपको शुरू में ये सब क्लियर था? नहीं था मेरे को क्लैरिटी नहीं थी. ये कोर्स खत्म करने के बाद या ये कोर्स के थ्रू मैं इतना ज्यादा कन्विंस्ड हूँ कि ये कोर्स सही है. मैंने अपने बैच के नेक्स्ट बैच में अपने 4 फैमिली मेंबर्स को पुश करके घुसाया है. उन लोग का आधा कोर्स हो गया, वो लोग जनवरी बैच में है. इस बैच में भी मैंने मेरे 4 लोग हैं विच आई नो, मतलब मैंने कन्विंस करके उनको एनरोल किया कराया है. उत्कर्ष जैन, नितेश जैन, विवेक गुप्ता एंड शालिनी बगाड़िया. सो आई हैव पुश्ड दीज 4 पीपल टू प्लीज ज्वाइन. हाय उत्कर्ष, गुड टू हैव यू हियर एंड आई होप यू आर एंजॉइंग. एंड सो आई हैव कन्विंस्ड माय फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन. 8 लोग को मैं बीसीआई करा चुका हूँ. मेरा आई थिंक ये स्ट्रीक, आई होप कि मैं स्लो डाउन नहीं हूँ. और मेरे सामने एक मेरे भैया ऑलरेडी बैठे हुए हैं एंड उनको भी मैंने इसलिए बुलाया कि यार मैं अपने सिस्टम्स दिखाऊंगा ही, तो आप आओ देख लो, वो नेक्स्ट बैच के लिए रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए. ओके, वेरी नाइस, यू वेरी नाइस. आप अपना वीडियो एक बार ऑन कर लो ताकि हम सब आपको देख लें. और गाइस, कैन वी ऑल थैंक अंकुर फॉर टेकिंग आउट. थैंक यू अंकुर. थैंक यू अंकुर. थैंक यू.